मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन, मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। और मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते हो और उनका मांस हांडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते और अपने दांतों से काटकर शांति शांति पुकारते हैं और जो कोई उनके मुंह में कुछ नहीं देता, उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण ऐसी रात तुम पर आएगी कि तुम को दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे, और भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते रहते अंधियारा हो जाएगा, और दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब इसलिए अपने ओठों को ढापेंगे कि यहोवा की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इसराइल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इसराइल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। वे तो सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुतिलता करने करके दृढ़ करते हैं, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में तो है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इस कारण तुम्हारे हेतु सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम दीह ही दीह हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा।